सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 27 मई है। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज सरसों के भाव के अंदर थोड़ी सी स्थिरता दिखाई दे रही है। पिछले दो दिन से जो सरसों के अंदर गिरावट का दौर था, उम्मीद है कि आज वो थमना चाहिए। हालांकि आज भी जयपुर का बाज़ार 50 रुपये नीचे खुला है, 50 रुपये कमज़ोर खुला है, लेकिन दादरी 100 रुपये तेज और दिल्ली का बाज़ार 50 रुपये तेज खुला है। और बड़े प्लांटों के अभी भाव जो आए नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज सरसों के अंदर जो है बहुत बड़ी गिरावट, जैसा कि पिछले दो दिन में लगभग 200-200 रुपये की, 150-150 रुपये की गिरावट आई है, वैसी गिरावट आज साथियों नहीं बनेगी। रात की वीडियो के अंदर भी आपको एक इशारा किया था कि आज सरसों का बेस जो है मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर फंडामेंटल जो है मजबूत होना चाहिए। तो साथियों, आज सरसों के अंदर तो ठीक माहौल लग रहा है, गेहूँ के अंदर बड़ी तेज़ी नहीं है। सोयाबीन के बारे में काफ़ी साथी पूछ रहे थे। साथियों, सोयाबीन के अंदर इस सप्ताह में तो कोई बड़ी तेज़ी आगे जो है नज़र नहीं आ रही है। नहीं लगता कि सोयाबीन जो है इन दो दिनों के अंदर उसके अंदर तेजी आएगी। चने के भाव भी कमजोर हैं, उनके अंदर भी तेजी नहीं है। मिलेंगे साथियों शाम को लाइव में 8:30 बजे। किसान एकता जिंदाबाद।